गुरुवार को सीएम हेमंत से ईडी के अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस दौरान अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ईडी ऑफिस से निकलकर सीधे अपने आवास चले गए। क्या रहा पूरा घटनाक्रम देख लेते इस रिपोर्ट में। सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। गुरुवार को करीब 10 घंटे सीएम से हुई पूछताछ। पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकले सीएम सोरेन। पत्नी कल्पना के साथ निकले सीएम आवास। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी रही तेज। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष है, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे, और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम सोरेन के ये बोल ईडी की पूछताछ के ठीक पहले के हैं। पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की ये केंद्र की साजिश है। सीएम हेमंत यही नहीं रुके, उन्होंने संवैधानिक पद राज्यपाल पर भी तंज कस दिया। सीएम का ये हमला बीजेपी को नागवार गुजरा और हेमंत पर सवालों की बौछार कर दी। उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे वो उनके घर जब ईडी का रेड हुआ तो मुख्यमंत्री के ब्लैंक साइन किए हुए चेक्स मिलते हैं। एक और सत्ता का दलाल जो मुख्यमंत्री का करीबी था प्रेम प्रकाश, उसके घर जब ईडी का रेड होता है तो उसके घर 2 AK-47 मिलते हैं, वो भी उन जवानों के जो मुख्यमंत्री आवास में तैनात थे। और तीसरा जो सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है अमित अग्रवाल, उसके साथ तस्वीरें आती हैं कि रतन टाटा से 1-to-1 बेसिस पे माननीय मुख्यमंत्री उससे मिला रहे हैं और सारे बड़े निर्णयों में कहा जाता है उसकी भागीदारी है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को रांची में घेरा डालो डेरा डालो का आह्वान करवा रहे हैं अपने नेताओं से, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है तो उन्हें एजेंसी को फेस करना चाहिए। भाई पर आंच आता देख बसंत सोरेन भी खामोशी तोड़ केंद्र पर हमले करते दिखे, तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्र पर अपनी भड़ास निकाली। कोल्हान भी है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि संथाल परगना को ही पकड़िए, कोल्हान में भी है और पूरे राज्य में है। तो कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के, और ये परेशानी उसी वजह से है, तो हम इसको परेशानी नहीं मानते हैं। आज साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई दे करके। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक साजिश है और ये चुनी हुई गठबंधन की बहुमत की सरकार को अपदस्थ करके इस सरकार को गिराने की और तथाकथित रूप से पीछे दरवाजा से चोर दरवाजा से भाजपा शासन करना चाहती है, इसलिए ये सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया है, साफ सुथरा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा की है दिखाने के लिए। उधर झारखंड की आंच पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हमलावर दिखे। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ दिया और छापेमारी को बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 का डर बता दिया। चौबीस तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख दे रहे हैं हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रहेगी है क्या ये?
इस पर बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है, जनता जान रही है क्यों हो रहा है। डर है ना, 24 का डर है। सीएम सोरेन से हुई पूछताछ के इस घटनाक्रम को ग्राफिक से समझ लेते हैं। गुरुवार दोपहर 12:05 पर ईडी ऑफिस पहुंचे सोरेन। अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में हुई पूछताछ। करीब 10 घंटे तक ईडी ने सीएम सोरेन से की पूछताछ। रात में पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची ईडी ऑफिस। रात 9:45 पर पत्नी के साथ निकले सीएम आवास। गुरुवार दोपहर 12:05 पर पूछताछ के लिए सीएम हेमंत ईडी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने उनसे अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में पूछताछ की। ईडी की सीएम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद रात में ही पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी ऑफिस पहुंची। इसके बाद वे रात 9:45 पर पत्नी के साथ सीएम आवास के लिए रवाना हो गए। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम ने सीएम से अवैध खनन मामले से संबंधित कई सवाल किए। ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर सीएम सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इससे पहले 3 नवंबर को भी पेश होने को कहा गया था, लेकिन सीएम सोरेन ने अपनी व्यस्तता और कानून के जानकारों से राय मशविरा के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पेश होने का समय दिया। अब इस पूछताछ का नतीजा क्या निकला, ये तो पूरी जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।